हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज बात करते हैं स्टैंडर्ड पेपर मैथमेटिक्स के एनालिसिस की। भाई कुछ ने तो वीडियो उसी दिन डाल दी, जैसे ही पेपर आया वैसे ही वीडियो बना दी। इतने से टाइम में कैसे एनालिसिस हो सकता है? बहुत बार इस पेपर को देखा, समझा, सॉल्यूशन भी डाला और फिर एनालिसिस करा कि पेपर कहां से आया है, कहां से आया पेपर। और आया है तो भाई चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम क्या है, किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, कितने मार्क्स के आए हैं किस चैप्टर में से, और फिर अब क्या करना है, अब हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। और अगर बात करें बुक्स हमने पढ़ ली तो अब जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जैसे नालायक है, स्कोरिंग चैप्टर्स क्या है। वैसे नालायक कोई भी नहीं होता, हमें सिर्फ हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, हम स्टडी पे ध्यान नहीं देते। अब थोड़े से जो स्लो लर्नर है, चैप्टर स्कोरिंग कौन से है, और अगर हम बात करना चाहे तो अब 100 out of 100 कैसे ले सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। जानने के लिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं कि भाई पेपर कहां से आया है, राजस्थान मुंबई कहां से आया है। अगर पेपर की बात करें, जो हमारा पेपर है वो कंसेप्ट जो उसके बेस्ड है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाई क्यूज। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी है और एग्जाम्पलर साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से किया है, थोड़ा सा पेपर लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, तो टाइम मैनेजमेंट करनी है। उसपे मैं वीडियो डालूंगा जल्दी, आप कमेंट बॉक्स में राइट करना और हर एक चीज पे डिस्कस करूंगा, केस स्टडी वगैरह सब डिस्कस करता हूं इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से। ऐसे नहीं कि साथ साथ आया और उसी टाइम बेवजह बिना सोचे समझे वीडियो डाल दी। एक आपको वैल्यू ऐड करनी है आपकी लाइफ में, आपको बेनिफिट देना है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाई है, तो भाई ये पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं था, आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब आपने एग्जाम्पलर, तो पहला काम क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन देखो अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं सब में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का कंसेप्ट है। और अगर बात करें तो पीवाई क्यूज, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज सीबीएसई ने पीवाई क्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसेप्ट से उठा लिए, वो तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं। और आगे चलते हैं आगे। अब बात यह है कि चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम क्या है, यहां पर आपके लिए लिख दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिए। अब मैंने चैप्टर वाइज देखो आपके लिए लिख दिया है कि रियल नंबर चैप्टर है, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और कितने मार्क्स का आया हुआ है। इसको देख के एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख के एक बार आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि कौन से चैप्टर में मैक्सिमम मार्क्स किस चैप्टर में से आए और किस तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं, एमसीक्यू कहां से बन रहे हैं, लॉन्ग कहां से बन रहे हैं। वैसे तो मैं आपके साथ हूं, हर एक चीज आपको बताऊंगा, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैप्टर वाइज भी इसके सॉल्यूशन मैं इसी वीक में डाल दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये हो गया, मार्किंग स्कीम हो चुकी है, तो भाई अब बुक्स कौन सी पढ़नी है, 100 out of 100 कैसे लेने हैं, कौन सी बुक्स पहले पढ़ू, मैं ये पढ़ू, मैं वो पढ़ू, मैं क्या पढ़ू। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, पहले तो एक रोड मैप ले लो। कहीं पे कुछ पहले उठा लेते, कहीं पे आरडी शर्मा पहले उठा ली, कभी ये उठा लिया, कभी वो उठा लिया, अरे खुद ही नहीं ज्ञान है बच्चे क्या करेंगे। तो एक रोड मैप लेके आओ। रोड मैप क्या, पहले तो आपको सबसे पहले ये दो बुक कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये दो बुक आपको बिल्कुल अच्छे से, मैथ को पढ़ा नहीं जाता, मैथ को सीखा जाता है, मैथ को पढ़ते नहीं है सीखते हैं। और मैं भी यहां पर आपको मैथ पढ़ाऊंगा नहीं सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले ये दो बुक्स करनी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनको बिल्कुल अच्छे से पी लो। हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं, तब तक पी लो। हाफ ईयरली के जितने भी चैप्टर्स हैं नहीं हुए हैं, तो पहला टारगेट बिल्कुल फ्रेश माइंड से ये दो बुक्स उठानी है बस। उसके बाद रोड मैप दूंगा, गाइड टू गाइड चलूंगा आपके साथ। ऐसा नहीं है एक बच्चे के 100 आए हैं, 10 साल हो चुके हैं, बहुतों के 100 आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे कुछ पीवाई क्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सैंपल पेपर इसके बाद कौन सा उठाना है प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा,
बट पहले आप इन दोनों को करिए खत्म, फिर मैं पी वाई क्यूज लेके आऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊंगा। पी वाई क्यूज भी एक्स्ट्रा भी एक्सपेक्टेड भी सिर्फ इतने होंगे कि हाँ हमने ये दो बुक्स कर ली, अब 30-40 उठा लेंगे एक चैप्टर के, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हमारा सर्कल इतना सा है, क्वेश्चन यहां से आ गया, हम थोड़ा सर्कल बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन अंदर ही रहेगा और हर साल अंदर ही रहता है और इस बार भी अंदर ही रहेगा। तो ये तो हो गया ये वाला। अब भाई केस स्टडी कहां से आई थी? केस स्टडी देखकर पहले ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो पहली बात एक चीज बताना चाहता हूं केस स्टडी के लिए, केस स्टडी देखकर आपको घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। जो आप केस स्टडी देखो 36 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन दोनों, जो 36 क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप मुझे बता दिए उसमें एनसीईआरटी का कंसेप्ट लगा हुआ है 36 क्वेश्चन में। केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा गया है, कंसेप्ट कौन सा लगा बता दीजिए मुझे, कौन सा बाहर है? सिर्फ आपका एनसीईआरटी का ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कभी आपको ये वाला कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये वही तो केस स्टडी में पूछा गया है, मुश्किल क्या है? थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो मैथ्स में आपको रटना कुछ भी नहीं है। पहली बात ये ध्यान रख लो, जब ये दो बुक्स करोगे तो रटना नहीं है, इनको समझना है हर एक क्वेश्चन को, तो आप 80 out of 80 ले सकते हो बड़े आराम से। ये दो बुक्स भी आप अच्छे से कर लो बट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब भाई 38 जो क्वेश्चन है वो आया आपका पी वाई क्यूज में से, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है और एरोप्लेन वाला क्वेश्चन चैनल पे विद ट्रिक पड़ा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे एमसीक्यू जिसको विद ट्रिक सेकंड्स में आप सोल्व कर सकते हो, और वो वाले मैंने बताए भी हैं वीडियो सॉल्यूशन में, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। आगे चलते हैं, केस स्टडी मैंने डिस्कस कर ली, 37 जो क्वेश्चन है केस स्टडी का वो एपी से रिलेटेड है, बताइए उसमें सीट्स बड़ी है, क्या पूछा आपसे, सम के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पूछा है, टर्म्स के बारे में पूछा है, क्या ही पूछा है? अगर आपने एनसीईआरटी और एग्जाम्पल ये दोनों चीजें अच्छे से करी हैं, मेरे को तो लगता नहीं कि आप ये केस स्टडी छोड़ दोगे, बड़े अच्छे से कर पाओगे। अब ये तो हो गया रोड मैप 100 out of 100 लेने का, इस पे एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा अभी, अभी फिलहाल ये दो बुक आपको अच्छे से करनी है। आगे चलते हैं, अब भाई जो वीक स्टूडेंट्स है, जो स्लो लर्नर है, वो कौन कौन से चैप्टर करें? सबसे पहले आप डेंजर जोन से बाहर आए, पहले इतना कर ले कि हाँ अब मैं इतना हो चुका हूं कि अब मेरे को कोई डर नहीं है फेल होने का, इतने मार्क्स में ले ही लूंगा। तो जो थोड़े से वीक लर्नर है, जो स्लो लर्नर है, वीक है जो, वो सबसे पहले मैंने आपको 50% तक का सिलेबस दे दिया है, जिसको करके आप बड़े अच्छे से एक डेंजर जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो चैप्टर 14 है 7 marks, 15 4 marks, दोनों 11, और ये वाले जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने मार्किंग स्कीम डाल दी है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग स्कीम डाल देती है, उससे आप आइडिया ले लेना ये चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के हैं, और ये ओवरऑल मिला के नियर अबाउट इतने मार्क्स के बनते हैं। तो सबसे पहले इनको पी जाओ, कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस के आपके मैंने जवाब दे दिए, फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। मिलते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो लाई जाती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।